बागेश्वर में हुई एक ऐसी शादी जो चर्चा में आ गई, पेड़ों के बीच कराई गई शादी। क्या लड़के लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही? फिर से शुरू हुई पुरानी परंपरा। दिल्ली मुंबई से बाराती बनकर पहुंचे थे लोग, ऐसी शादी देखकर हर कोई रहा हैरान। तस्वीर को देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये पहाड़ों वालों को आखिरकार क्या हो गया जो पेड़ को दुल्हा और दुल्हन बना दे रहे हैं। क्या शादी के लिए लड़के और लड़कियों की कमी हो गई जो पेड़ों से शादी कराई जा रही? शादी का मौसम हो तो अलग ही स्वैग रहता है। दुल्हा और दुल्हन दोनों शादी को खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर दो पेड़ों के बीच शादी कराई गई। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि बारातियों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। आखिर इस शादी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? पेड़ों की भला शादी कौन कराता है? लेकिन इन तमाम सवाल के जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में ही दे सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि पेड़ों के बीच शादी कराने का सिलसिला कहां से आया और ये क्यों जरूरी हो गया। उत्तराखंड में रीति रिवाजों और रस्मों का खूब बोलबाला होता है। यहां पर रस्में निभाने के लिए लोग आज भी खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी पुरानी परंपरा है, तो इसे कैसे भूल सकते हैं। इन्हीं परंपराओं में शामिल है ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। दो पेड़ों के बीच धूमधाम से शादी। लड़का लड़की की शादी तो सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या आपने पेड़ों की शादी के बारे में सुना है? दरअसल बागेश्वर जिले के अंतर्गत में पीपल और वट वृक्ष की अनोखी शादी कराई गई। यहां वट वृक्ष को दूल्हा बनाया गया जबकि पीपल वृक्ष को दुल्हन की तरह सजाया गया। ऐसा क्यों? आगे की रिपोर्ट से समझिए। सदियों से उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहां खूबसूरत वादियों के साथ साथ अनोखी संस्कृति और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। बीते दिनों बागेश्वर में एक अनोखी सालों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें दफोर्ट क्षेत्र के मयू गांव में धूमधाम के साथ पीपल और वट वृक्ष की शादी कराई गई। इस अनोखे विवाह के लिए नैनीताल से आचार्य केसी सोयाल पहुंचे थे, साथ ही इस विवाह की गवाह बने और शगुन आखर गाए। इस शादी समारोह में नैनीताल, हल्द्वानी, दिल्ली और मुंबई के प्रवासी साक्षी बने और वट वृक्ष को दूल्हा बनाकर डोली में बैठाया गया और गांव के गोलजीव मंदिर में ले जाया गया। इसके बाद गाजे बाजे और परंपरागत नृत्य के साथ गांव के सड़क मार्ग से होकर बारात गांव हरजू सैम और देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां सभी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। मंदिर में ग्रामीणों ने पीपल वृक्ष को दुल्हन के रूप में सजाया था। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। अब चर्चा है कि आखिरकार इस पुरानी परंपरा को लेकर ऐसा क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह भी आखिरकार सामने आ ही गई और ये पता चला कि ऐसा क्यों किया गया। पर्यावरणविद हरीश जोशी ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज को एकजुट करने में सहायक होते हैं और इससे विलुप्त होती परंपराएं भी पुनर्जीवित होती हैं। यह परंपरा हमारी संस्कृति में सालों पहले थी। संस्कृति को जीवित रखना और उसका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पुरानी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। जिस तरह से पहले शादियां होती थी, जिस तरह से रस्मों को निभाया जाता था, वो धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में है। ऐसे में पेड़ों से शादी कराकर एक बार फिर से पुरानी परंपरा को जिंदा रखा गया है।